नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्स हैबिटेट्स ऑफ एल्गी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्गी की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। हैबिटेट यानी आवास, प्राप्ति स्थान या अकरेंस, नेचुरल एनवायरनमेंट में एल्गी कहाँ पाई जाती है। तो ये तीन प्रकार के आवास हो सकते हैं, जलीय आवास, स्थलीय या असामान्य आवास, एक्वेटिक हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड अनयूजुअल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट्स, एक्वेटिक हैबिटेट जलीय आवास भी फ्रेश वाटर हो सकता है या ब्रैकिश वाटर हो सकता है या मैराइन वाटर हो सकता है। एल्गी, विभिन्न प्रकार की एल्गी विभिन्न प्रकार के आवास पसंद करती हैं, उनकी अनुकूलताएं उनके हिसाब से ही होती हैं। जैसे फ्रेश वाटर में बहुत सारे मेंबर्स मिलते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स के सदस्य पाए जाते हैं, जेंथोफाइसी के, क्लोरोफाइसी के, साइनोफाइसी के, बेसिलेरियोफाइसी के सदस्य फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर जैसे नदी का पानी, झील का, तालाब का पानी, ये फ्रेश वाटर कहलाता है, ताजा पानी। ब्रैकिश वाटर सलाइन वाटर भी कहलाता है, सलाइन या जैसे सलाइन जो झील होती है, खारे पानी की झील, उसमें बहुत सारी क्लोरोफाइसी के और साइनोफाइसी के सदस्य पाए जाते हैं। ऐसे ही मैराइन वाटर समुद्री या महासागरीय जल होता है, जिसमें बहुत सारे फियोफाइसी और रोडोफाइसी के सदस्य पाए जाते हैं। फियोफाइसी और रोडोफाइसी के तो सारे सदस्य, मेजोरिटी ऑफ फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी अलग अलग तरह से हो सकते हैं, जैसे रनिंग फ्रेश वाटर धीमी गति का भी हो सकता है, तेज गति का भी पानी हो सकता है, उसमें अलग अलग तरह की एल्गी पाई जाती हैं। रिवर, स्ट्रीम, कैनाल्स, नाला, इनके पानी में जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, बेट्रेकोस्पर्मम। तो रनिंग जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, तो इस तरह के आवास को पसंद करने वाली एल्गी इसमें पाई जाती हैं। इनको लोटिक एल्गी भी कहते हैं। और स्टेग्नेंट वाटर या स्टिल वाटर या स्टैंडिंग वाटर यानी खड़ा पानी या स्थिर पानी, इसको लेंटिक भी कहते हैं। लेंटिक लैटिन भाषा का शब्द है, लेंटस मीन्स स्लगिश यानी रिलेटिवली स्टिल वाटर, शांत पानी। तो ये झील का, तालाब का, पोखर का या गड्ढों का जो पानी है, बरसात में गड्ढे हो जाते हैं उसमें पानी मिलता है, उसमें ये एल्गी पाई जाती हैं, जैसे वॉलवॉक्स, कारा, ऑसिलेटोरिया, माइक्रोसिस्टिस, पिनोलेरिया, साइक्लोटेला, स्पायरोगायरा, हाइड्रोडिक्टियन, यानी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स हैं और बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स हैं, डायटम्स हैं, ये स्टेग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। और रनिंग वाटर में भी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स और रोडोफाइसी के मेंबर्स भी पाए जाते हैं। और ब्रैकिश वाटर सलाइन वाटर है, इनको हेलोफाइट्स भी कहते हैं, जो खारे पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी की झील में, जैसे डुनोलियेला, ऑसिलेटोरिया, क्लमाइडोमोनास, एरनबर्गाई। मैराइन वाटर जो समुद्र और महासागर में जो एल्गी पाई जाती हैं, वो फियोफाइसी और रोडोफाइसी के सदस्य हैं, इसके अलावा बेसिलेरियोफाइसी के सदस्य यानी डायटम्स और क्लोरोफाइसी के सदस्य भी मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, अल्वा, सरगासम, लेमिनेरिया, डायटम्स। मैराइन वाटर में भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं उनको, जो एक तो प्लैंक्टोनिक एल्गी है, तैरती हुई पाई जाती है, फ्लोट करती हुई पाई जाती हैं, कुछ एल्गी ऐसी होती हैं, और कुछ एल्गी पेंदे में होती हैं, अटैच्ड होती हैं, लगी जड़ की तरह से, राइजोइड्स की तरह से लगी हुई होती हैं, जैसे सुप्रा लिटोरल, लिटोरल और सब लिटोरल, ये जोन है समुद्र के अंदर, उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो सब लिटोरल जोन है जो
गहरे समुद्र में होता है, वहां पे कैल्प्स पाए जाते हैं। कैल्प यानी ब्राउन एल्गी, जो जाइंट ब्राउन एल्गी है उनको कैल्प्स कहते हैं। लिटोरल, ये जो इंटरटाइडल जोन होता है जहां पे ज्वार भाटा आते हैं और कभी वो पानी में डूबा रहता है कभी नहीं रहता है। और सुप्रा लिटोरल, ये और भी ऐसा दूर वाला क्षेत्र है जिसमें पानी बहुत कम आता है, पानी की छींटे बौछार पड़ती हैं, स्प्लैश जोन भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे इस तरह की एल्गी पाई जाती है जो कि बहुत हार्श एनवायरमेंट में रहती है, बहुत सूखा होता है, धूप होती है वहां पे, बहुत सनलाइट होती है तेज, और पानी की मात्रा भी कम होती है। तो ऐसी चट्टानों पे पाई जाने वाली एल्गी होती हैं वो यहाँ होती हैं। और जो एकदम जो मैराइन एनवायरमेंट है ये सब लिटोरल जोन है, उसमें मिलता है, जहाँ की बहुत सारी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी पाई जाती हैं। जलीय वाटर से सॉरी जलीय आवास से संबंधित और कुछ ये टर्मिनोलॉजी है, जैसे प्लैंक्टोफाइट्स। प्लैंक्टोफाइट्स यानी प्लवकी है, जो कि पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उनको हम प्लैंक्टोफाइट्स कहते हैं। प्लैंक्टोफाइट्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यू प्लैंक्टॉन्स। यू प्लैंक्टॉन्स यानी सुप्लावकीय है, यानी ट्रू प्लैंक्टॉन्स, जो कि फ्री फ्लोटिंग होते हैं। वॉल्वॉक्स, क्लस्टोरियम, क्लोस्टेरियम, क्लेमाइडोमोनास, माइक्रोसिस्टिस, ये उसके उदाहरण हैं यू प्लैंक्टॉन्स के। कुछ टाइको प्लैंक्टॉन्स होते हैं संयोजी प्लावकीय है। संयोजी प्लावकीय मतलब वो कुछ संयोजित होके कुछ ग्रुप्स में मिलके फ्लोट करते हैं, या कुछ दूसरे प्लांट्स के साथ अटैच होके फ्लोट करते हैं, या ये शुरू में अटैच्ड होते हैं और बाद में ये फ्लोट करने लग जाते हैं। तो ये यू प्लैंक्टॉन से अलग हैं, ट्रू प्लैंक्टॉन्स नहीं है, यानी टाइको प्लैंक्टॉन्स है, संयोजी प्लैंक्टॉन है। ग्रीक भाषा में टाइको का मतलब होता है एक्सीडेंट या चांस, तो एक्सीडेंटली या बाई चांस ये फ्लोट करते हैं, जैसे नॉस्टॉक, उडोगोनियम, क्लेडोफोरा। पोटेमो प्लैंक्टॉन जो कि रिवर में प्लैंक्टॉन के रूप में मिलते हैं, फ्लोट करते हुए मिलते हैं। लिम्नो प्लैंक्टॉन जो कि लेक में तैरते हुए मिलते हैं। और हिलियो प्लैंक्टॉन जो कि पॉन्ड में या मार्शेज में, जो कि स्मॉल वाटर बॉडीज हैं उसमें जो प्लांट्स मिलते हैं उनको हीलियो प्लैंक्टोन कहते हैं। तो इसमें बेसिलेरियोफाइटा के मेंबर्स हैं, पायरोफाइटा के मेंबर्स हैं, जो हीलियो प्लैंक्टोन के रूप में मिलते हैं, मड या जो छोटे पॉन्ड हैं उनके अंदर मिलते हैं। बेंथोफाइट्स या बेंथोस कहते हैं नितलीय एल्गी, जो कि बॉटम में मिलती है, चाहे वो ओशन के बॉटम में मिले या रिवर के या लेक में, उनको बैंथिक एल्गी कहते हैं। ये अटैच्ड होती हैं, हमेशा पैंदे से अटैच्ड रहती हैं और हमेशा पानी में डूबी हुई रहती हैं, सबमर्ज्ड कंडीशन में रहती हैं बैंथिक एल्गी। ये भी यूट्रॉफिक वाटर में हो सकती हैं या ऑलिगोट्रॉफिक वाटर में हो सकती हैं। यूट्रॉफिक वाटर मीन्स, यूट्रॉफिक का मतलब है, ग्रीक भाषा से है ये, यूट्रोफोस मीन्स वेल नरिश्ड, जहां पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ये जनरली टर्बिड वाटर होते हैं और इनमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा स्पेशली ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो ऐसे जगह पर जो उगने वाली एल्गी होती हैं वो यूट्रॉफिक हैं। वैसे हर एक जो पानी का जो स्टेग्नेंट वाटर है उसमें यूट्रोफिकेशन होता है, या रनिंग वाटर में भी यूट्रोफिकेशन हो सकता है, जो दूसरे डेड एल्गी हैं उनके कारण, या और दूसरे प्लांट्स हैं उनके जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर पानी के अंदर मिल जाते हैं, या कई बार जो डिटर्जेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, सीवेज हैं
उनका पानी भी उसमें डाल दिया जाता है, तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है उस पानी का, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें हो जाते हैं, और ऐसे में बहुत एल्गी ग्रो कर जाती हैं उसके अंदर। साइनोफाइसी के बहुत सारे मेंबर बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और एल्गल ब्लूम्स बना देते हैं ऐसे, और वो बहुत टर्बिड वाटर होता है, धुंधला होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। और कुछ ओलिगोट्रॉफिक एल्गी होती हैं जो कि साफ पानी में उगती हैं, क्लियर वाटर में होती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होती है और न्यूट्रिएंट्स वहां पर कम होते हैं। इस यहाँ पर ऐसे कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं जो कि ओलिगोट्रॉफिक एल्गी के रूप में होते हैं या ओलिगोट्रॉफिक वाटर में पाए जाते हैं, जबकि यूट्रॉफिक वाटर में ज्यादातर साइनोफाइसी के मेंबर्स होते हैं। एक्वेटिक एल्गी के बाद दूसरा प्रकार का आवास है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, स्थलीय आवास, जो कि भूमि पर मिट्टी के ऊपर पाई जाती हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सेपोफाइट्स या क्रिप्टोफाइट्स। ऑन द सॉइल सरफेस, जो सॉइल सरफेस के ऊपर जो पाए जाते हैं वो सेपोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे वाउचीरिया और बॉटरीडियम। क्रिप्टोफाइट्स जो बिलो द सॉइल सरफेस होते हैं, जैसे नोस्टॉक एंड क्लोरेला। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट्स में उगने वाले पौधे हैं वो साइनोफाइसी के मेंबर्स भी हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, बेसिलेरियोफाइसी के सदस्य हैं, जेंथोफाइसी के सदस्य हैं, ये भी मिट्टी के ऊपर या मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। अनयूजुअल हैबिटेट्स, तो पानी और स्थलीय मिट्टी के ऊपर उगने वाले के अलावा और भी अन्य आवास हैं जहां पर एल्गी पाई जाती हैं। इनमें सबसे पहले है थर्मोफाइट्स, यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर, जैसे 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जहां पे कि दूसरा जीवन संभव नहीं होता है सामान्यतया, वहां पे भी कुछ साइनोफाइट्स के मेंबर्स पाए जाते हैं, जैसे फॉर्मिडियम। तो गर्म पानी के जो झरने हैं या गर्म पानी के कुंड हैं, उनमें भी एल्गी पाई जाती हैं। क्रायोफाइट्स, बर्फ पर भी एल्गी पाई जाती हैं, इनको क्रायोफाइट्स कहते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, कुछ साइनोफाइसी के मेंबर्स पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये बर्फ को लाल रंग प्रदान करते हैं, बिल्कुल तरबूज के जैसी वो हो जाती है बर्फ, रेड स्नो हो जाती है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के कारण। ऐसे क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस के कारण बर्फ का ग्रीन रंग हो जाता है। इसके अलावा रेफिडोनीमा, फॉर्मिडियम स्पीशीज, हिमेटोकॉकस, ये भी बर्फ पे उगने वाली एल्गी हैं। एपीफाइट्स, कुछ एल्गी दूसरी एल्गी पर उगती हैं या दूसरे और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हो सकते हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर भी एल्गी पाई जाती हैं, जैसे कोलियोकीट, गुडोगोनियम, एक्टोकार्पस, पलिसाइफोनिया, ये सब एपिफिटिक एल्गी के उदाहरण हैं। इसके अलावा एंडोफिटिक भी होती हैं, पौधों के टिश्यू के अंदर भी एल्गी पाई जाती हैं, जैसे नोस्टॉक। नोस्टॉक एक ब्रायोफाइट है, एंथोसरॉस, उसके अंदर पाया जाता है। ऐसे ही एनाबिना है, एक टेरिडोफाइट, एजोला, उसके अंदर पाया जाता है। एपीजूफाइट, एपीजूफाइट के रूप में एनिमल्स के ऊपर उगने वाली जो एल्गी हैं, जैसे क्लेडोफोरा है, स्नेल्स के ऊपर, मोलस्क जो हैं उनके ऊपर उगती है। लिंगबया है, स्पॉन्जेस के ऊपर उगती है। लिथोफाइट्स, जो चट्टानों पे उगती हैं, नदी या समुद्र के पास जो चट्टाने होती हैं, पत्थर होते हैं, जो पानी से कभी भीगते रहते हैं, कभी पानी में डूबे रहते हैं, कभी बाहर रहते हैं, उन पर ये एल्गी पाई जाती हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी हैं, बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी के सदस्य लिथोफाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के सदस्य बहुत हार्श कंडीशन में मिलते हैं, बर्फ पे भी मिलते हैं, गर्म पानी के झरनों में भी मिलते हैं, चट्टानों पे भी मिलते हैं। तो ये क्योंकि इनमें बैक्टीरिया है के गुण हैं, ये प्रोकैरियोटिक हैं और इनमें बहुत हार्श कंडीशन में रहने की क्षमता होती है, बहुत डाइवर्स हैबिटेट में साइनोफाइसी मिलती है। तो लिथोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं ग्लियोकैप्सा, रिवुलेरिया, बाउचीरिया एंड डायटम्स,
बेसिलेरियोफाइसी के सदस्य, पाउचीरिया जिंथोफाइसी में है। सिम्बायोटिक एल्गी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक लाभदायक एसोसिएशन में रहती हैं लंबे समय तक, उनको सिम्बायोटिक एल्गी कहते हैं। लाइकेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लाइकेन में एल्गी फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं। लाइकेन के रूप में पाई जाने वाली एल्गी हैं, कुछ ग्रीन एल्गी भी हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी हैं, जैसे नॉस्टॉक, साइटोनीमा, ग्लियोकैप्सा, क्लोरेला, क्लेडोफोरा। पैरासिटिक एल्गी, ये भी एक अनयूजुअल आवास है। वैसे एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक होती हैं, स्वयं अपना खाना बनाती हैं, पैरासिटिक नहीं होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप सिफेल्यूरोस नामक एल्गी है जो कि ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है, कीटोफोरेल्स का मेंबर है। वो चाय की पत्ती, कॉफी की पत्ती और आम की पत्तियों पर बीमारी करती है, रेड रस्ट डिजीज, और पैरासिटिक रूप में रहती है। एंडोजूफाइट्स, एंडोजूफाइट्स जो एनिमल के अंदर भी एल्गी रहती हैं, जैसे जूक्लोरेला इनसाइड हाइड्रा रहता है ये, और ऑसिलेटोरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। तो ये थे विभिन्न प्रकार के आवास जहां की एल्गी पाई जाती हैं।